आपने जो लास्ट मोमेंट पर आजाद जी के साथ गठबंधन किया है वो कितना फलदायी रहेगा हरियाणा चंद्रशेखर के? आजाद के साथ जननायक जनता पार्टी दो विचारधाराओं को जोड़ के लाई। एक स्वर्गीय काशीराम जी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जोड़ी देश ने देखी है, जब 1989 के अंदर वो बोट क्लब पे धरने पर बैठे एक बात को लेकर कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाए थे, और चौधरी देवीलाल जी ने अपना वादा पूरा किया, 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। वहीं दूसरी ओर पर मैं और चंद्रशेखर दोनों आज के दिन युवा हैं, वो भी 36 के हैं, मैं भी 36। हमारी ये जोड़ी अगले 45 साल देश की पॉलिटिकल सिनेरियो को फॉलो करेगी, उसको रास्ता दिखाएगी, उसको आगे लेकर जाएगी। तो जनता देखती है, और युवाओं को शक्ति देने का काम निरंतर जनता ने किया है, और वो युवा शक्ति है जो बदलाव को लेकर आएगी। लेकिन आपके चाचा ने मायावती जी के साथ गठबंधन किया है और आपने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो दलित और जाट का वोट है वो खींचने में ये बहुत अहम भूमिका नहीं, निभाएंगे? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं 36 साल का हूँ, आज मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं हरियाणा प्रदेश के सभी वो वोटर्स जो 50 साल से नीचे, जो कि लगभग 55-60% के आसपास है, उनका नेतृत्व करूँ। मुझे नहीं लगता हम जात बिरादरी में बटेंगे तो कामयाब होंगे। हमें हाँ नेतृत्व देना है, किसान कमेरे का भी करना है और युवाओं का। लेकिन जिस तरह से आप पे आरोप लग रहे हैं कि किसान धरने पर बैठे थे तब दुष्यंत जी ने कोई आवाज़ नहीं लगाई, पहलवानों के साथ इतना कुछ हुआ तब दुष्यंत जी अपनी पार्टी को संभालते रह गए और भाजपा के साथ जुड़े रह गवर्नमेंट में गए आप जब बैठते हो जी, तो आप धरनों में प्रेजेंस अपनी कैसे दिखाते हो वो जनता तय करती है। क्या कहीं ये रिकॉर्डेड है कि दुष्यंत चौटाला ने ये स्टेटमेंट करी हो कि किसान आंदोलन का धरने गलत है? क्या हमारा कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं गया? क्या वहाँ पर जो खेत से एक एक एकड़ पे उगाई हुई थी उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया? पार्टिसिपेशन सबकी है। आप एक पार्टनरशिप कंपनी बनाते हो, उसमें एक्टिव पार्टनर भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। बिहाइंड द कर्टन जो मदद हुई हमने करी। मैंने तो पहले दिन कहा था कि एमएसपी पर आँच आएगी, आई विल रिजाइन। एमएसपी पर हरियाणा प्रदेश में तो आँच नहीं है। हम 5 क्रॉप्स एमएसपी पर लिया करते थे, हमने 14 क्रॉप्स लेनी शुरू कर दी, बढ़ाया। हमारी पेमेंट जो मंडी के अंदर जाती थी वो पहले 2-2.5 महीने पे किसान को मिलती थी, उसको हमने रिड्यूस किया, 48 आवर्स किया कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसान की फसल ख़राब हो जाती थी, 2-2 साल फसल के मुआवजा नहीं मिलता था, हमने व्यवस्था बनाई कि 30 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा आ जाएगा। पहली बार हरियाणा में इतनी बार फ्लड आए हुए हैं, कभी फ्लड डिक्लेयर नहीं हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने फ्लड डिक्लेयर कर कर 12 जिलों के प्रत्येक नागरिक जिसकी फसल को, मकान को, कोई कोठे को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाई। इवन देन किसी और स्टेट में आज तक पॉलिसी नहीं है कि अगर किसान के खेत में सिल्ट आ जाए, जिसको हम यमुना सैंड कहते यमुना हैं, यमुना सैंड आ जाए, उसको निकालने की परमिशन नहीं दी जाती। हमने माइनिंग डिपार्टमेंट से पॉलिसी बनाई और उसका पैसा किसान को मिला, जितना रेत वहाँ से निकला। अगर मैं किसान के साथ ना होता तो क्या गवर्नमेंट में बैठा ये कदम उठा पाता? और ये तो चौधरी देवीलाल जी, सर छोटू राम जी कहा करते थे कि काम जब ही होंगे जब आप सरकार में बैठे हो, विपक्ष में तो हाय हाय होगी। लेकिन जिस तरह से किसान आप पे आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए कि आप वहाँ सभा संबोधित करने गए हैं और किसान की आवाज़ को लेके आप पर चलो, विरोध अपनों का ही करा जाता है। कोई तमिलनाडु का किसान मेरा विरोध करने आया है? यही मेरे वोटर्स हैं 2 करोड़। मैंने तो इन्हीं के साथ बैठना है, हम लड़ेंगे भी, हम गले भी लगेंगे, हम प्यार भी करेंगे, इन्हीं से ही राजनीति करनी है। मैं मेरा प्रोफेशन चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं आपकी तरह पत्रकारिता में आना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है, एक चैनल से नाराजगी दूसरे में चले जाओ, दूसरे नाराजगी तीसरे में चले। हमारा तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने 2 करोड़ 4 लाख हरियाणा के वोटर्स के बीच में रहना है, इन्हीं की आवाज़ बनना है, इन्हीं की लड़ाई लड़नी है। कई बार फैसलों पर नाराजगी होती है, धीरे धीरे समझते हैं। आज आम चर्चा है कि अगर हम उस समय गवर्नमेंट का हिस्सा ना बनते तो जो मेरे 7 विधायक गए, ये तो कुलदीप बिश्नोई की अजका की तरह बीजेपी वाले जब भी तोड़ ले जाते।
हमने तो स्ट्रेटेजिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सरवाइव किया, हमने अपने करे वादों को भी पूरा करवाया और हमने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। GST 18,000 करोड़ थी, 36,000 करोड़ कैसे कलेक्शन होगी स्टेट की, क्योंकि हमने इम्प्रूवमेंट करी सिस्टम के अंदर।